मुखर्जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक तिवारी, समृद्धि न्यूज चैनल से। अभी हम पहुंचे हुए हैं ओसाई पंचायत में। हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहिया प्रखंड के अंतर्गत ये आता है ओसाई पंचायत, और हमारी बात हो रही है यहाँ ओसाई पंचायत के मुखिया हैं ईश्वर यादव जी। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या बताना चाहेंगे ये सात निश्चय योजना पे, आइए हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं। मुखिया जी, जानना चाहेंगे कि 2 साल 2 महीने के कार्यकाल में आपने अपने पंचायत को कहाँ तक विकास के स्तर पर कहाँ तक लेके गए हैं, क्या बताना चाहेंगे, आपने क्या क्या किया? हमने अपने पंचायत में पहले 8 वार्ड चयनित था नल जल वाला में जी, फिर सरकार ने 4 को बोल दिया कि 4 बोरिंग गलाएंगे पीएचडी। हमने 4 बोरिंग गलवा चुके हैं, वो काम चल रहा है। पीएचडी का काम स्टार्ट है आपके? हाँ। पीएचडी के काम स्टार्ट नहीं है, वो पेंडिंग में डाल दिया। अच्छा। अब 4 वार्ड जो चयनित था हमने बोरिंग गलवा दिए हैं, अब बोरिंग गलवा करके पाइप बिछा रहे हैं। आपके पंचायत में टोटल कितने गाँव आते हैं मुखिया जी? 4.5 गाँव। 4.5 उसाई, गंज, बरना, आनर, आधावा, बुढ़ना भी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये वार्ड की संख्या कितनी है? 16 है। 16 है, 8 वार्ड चयनित हुआ है। 8 वार्ड चयनित हुआ है। हाँ। अब 4 को मैंने नल जल नहीं, 7 निश्चय में हुआ है गली नली के लिए। जी जी। 4 में हम आप बोरिंग नहीं गला सकते, सरकार के आदेश है। अच्छा, 4 में बोरिंग गला दी है। पीएचडी है। हाँ, 4 पीएचडी नहीं है, 4 पीएचडी है। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे मैं जानना चाहूंगा, तमाम दर्शक चूंकि आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा शौचालय की बात जो चल रही है, तो इसमें हर घर में शौचालय लगाना है, अपने पंचायत को स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, ODF घोषित कराना है, मैक्सिमम पंचायत ODF भी हो गए हैं, आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? ये बहुत 1.5 महीने के अंदर हमारा भी पंचायत ODF हो जाएगा, काम लोग जोर शोर से लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को सुझाव देना चाहेंगे कि अभी जो पहला फेज पैसा आया था 7 नीचे का, पैसा खत्म हो चुका है, और जितने काम लगा है नली गली नल जल का, उसे पैसा भी घट रहा है। अच्छा, तो पैसा जब आएगा तभी ना हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे, विकास करेंगे। ऐसे 7 निश्चय योजना आपको कैसी लगी? 7 निश्चय योजना तो अब क्या कहिए, वार्ड से बंधे हुए हम लोग, मैंने जैसे कि पहले था कि काम 10 दिन 5 दिन में क्लियर हो जाता था, अब थोड़ा पेंडिंग वार्ड को हम लोग ट्रांसफर कर दिया, पैसा वार्ड काम में नहीं लगाया है, उसके चलते थोड़ी सी बाधा है। हाँ, बाधा है। चलिए बहुत अच्छी बात। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी अभी ओसाई पंचायत के मुखिया जी हैं बुटेश्वर यादव जी। इनका कहना है कि हमारी जो पंचायत है बहुत जल्द ODF घोषित हो जाएगी 1 से 1.5 महीने के अंदर। सरकार की 7 निश्चय योजना अच्छी ही योजना है, लेकिन वार्ड के द्वारा बंधित हो जाने के चलते हमारी परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई है। हम लोग वार्ड को तो चेक काट के दे देते हैं, वार्ड कब काम लगाएगा, कब काम करेगा, थोड़ी सी हमारी परेशानी बढ़ी हुई है। हम लोग का तो सपना है कि हम लोग किसी भी तरह अपने इस पंचायत को ODF घोषित कर दे, आदर्श पंचायत बना दे, लेकिन हमारे हाथ जो है बंधे हुए हैं, चूँकि हम लोग चेक तो वार्ड को काट देते हैं, जिसके चलते हमारी परेशानी बढ़ जाती है। सरकार को इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जो पैसा 7 निश्चय के द्वारा आने वाला है, और रेस्ट चूँकि हमारा जो पैसा आया हुआ था खर्च हो चुका है, रेस्ट पैसा आता तो हम लोग और आगे काम विकास कर पाते और अपने पंचायत को डेवलप कर पाते। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लगा, और काफ़ी अच्छे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत ही सुंदर पहचान है इनकी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि तमाम इनके पंचायत में भी मैंने विजिट किया, अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर पंचायत है इनका। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन अरुण ओझा के साथ, थैंक यू।